तो फ्रेंड्स मेरे चैनल अजीज आप सभी का फिर से स्वागत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इकाई दाई सैकड़ा हजार जो लिखा जाता है इसी को हम इस वीडियो में लिखना सीखने वाले हैं और इसमें कितने जीरो होते हैं इसको भी हम देखने वाले हैं और कितने अंक बाद कॉमा लगता है जो अंतर्राष्ट्रीय जो पढ़ाई होती है जो कि लिखने की इसमें इकाई दहाई वाले में कितने अंक बाद बाद कॉमा लगता है इसी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा चलिए हम इकाई दहाई लिखते हैं तो दोस्तों पहला क्या है हमने यहाँ पर लिख लिया है पहले से ही ज़्यादा समय ना लगे पहला क्या होता है इकाई इकाई में क्या होता है दोस्तों एक होता है ठीक इकाई में क्या होता है एक फिर होता है दहाई दहाई में क्या होता है दस यानी कि एक और ज़ीरो फिर सैकड़ा में क्या होता है सौ यानी कि एक और डबल जीरो ठीक है यहाँ पर मैं लिखता है चल रहा हूँ कि में कितने ज़ीरो हैं ठीक है किस में कितने जीरो आते हैं वो भी यहाँ पे लिखता चल रहा हूँ ठीक इसमें कोई ज़ीरो नहीं है इसमें क्या है एक ज़ीरो है इसमें क्या है दो ज़ीरो फिर से दोस्तों हज़ार हज़ार में क्या होता है एक और उसके बाद तीन ज़ीरो इसको हम बाद में लिख लेंगे ठीक है ज़ीरो वाला हज़ार में कितने होते हैं एक और तीन जीरो ठीक है ये हो गया हमारा हज़ार जो कामा लगता है दोस्तों पहले तीन अंक बाद लगता है ठीक एक दो तीन पहला जो कामा लगता है तीन अंक बाद फिर दो अंक बाद फिर हज़ार हो गया उसके बाद क्या आता है दस हज़ार दस हज़ार कैसे लिखेंगे दस तीन ज़ीरो और कितने हो गए देखो तीन अंक को एक दो तीन अंक बाद कामा फिर दो अंक पर लगता है इसमें अभी नहीं लगाएंगे क्या हो गया हमारा ये दस हज़ार उसके बाद क्या होता है लाख ठीक लाख को लिखेंगे हम कैसे एक एक दो तीन चार पाँच ज़ीरो आता है ठीक इसमें क्या लगेगा कामा तीन अंक बाद लगेगा फिर दो अंक बाद कामा लगेगा ठीक तो क्या हो गया हमारा यहाँ एक लाख फिर क्या होता है दस लाख लाख के बाद क्या आता है दस लाख आता है दस लाख कैसे एक दो तीन चार पाँच छः जीरो तो दस लाख है दस लाख तीन अंक बाद फिर दो अंक पर लगेगा यहाँ पर नहीं लगेगा ठीक है यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर हो गया दस लाख उसके बाद क्या आता है करोड़ आता है करोड़ में क्या हो जाएगा इस इसमें क्या था छः जीरो इसमें सात एक दो तीन चार पाँच छः सात ये क्या है हाँ हमारा करोड़ हो गया इसमें देखो तीन अंक बाद फिर दो अंक बाद फिर दो अंक बाद ये हो गया हमारा एक करोड़ ठीक है उसके बाद क्या आता है दस करोड़ आता है दस करोड़ में क्या हो जाएगा यहाँ देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात तीन दो पाँच दो सात एक आठ ज़ीरो हो जाएगा ठीक इसमें देखो ये दो दस करोड़ है तीन अंक बाद फिर दो अंक बाद फिर दो अंक बाद ये हमारा दस करोड़ हो गया फिर आगे चलते हैं दस करोड़ के बाद क्या आता है दोस्तों अरब आता है अरब में क्या हो जाएगा एक अरब को कैसे लिखते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात तीन दो पाँच दो सात एक आठ आठ था इसमें इसमें क्या हो जाएगा तीन तीन छः सात आठ नौ नौ ज़ीरो हमारे कितना हो जाएगा एक अरब देखो पहला तीन अंक पर फिर दो अंक पर फिर दो अंक पर फिर दो अंक पर ये हमारा एक अरब हो गया ठीक अरब के बाद क्या होता है दस अरब आता है दस अरब को लिखते हैं ठीक है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ठीक इसमें क्या था तीन दो पाँच दो दु, सात दो नौ इसमें हो जाएगा हमारा दस ज़ीरो ठीक यहाँ पर लिख देता हूँ दस ज़ीरो इसमें क्या था नौ ज़ीरो इसमें क्या था आठ जीरो यानी कि दस करोड़ में क्या था आठ जीरो इसमें था सात ज़ीरो करोड़ में एक दस लाख में क्या होता है छः जीरो और एक लाख में क्या होता है पाँच ज़ीरो हाँ दस हज़ार में कितने होते हैं चार और एक हज़ार में कितने होते हैं तीन इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा ठीक तो दस अरब में कैसे लगेगा कामा देखो तीन बाद फिर दो अंक बाद फिर दो अंक बाद फिर दो दो अंक बाद तो दस बचा हमारे पास फिर हमारा ये अरब बचा ठीक ये हो गया हमारा दस अरब फिर क्या आता है खरब खरब में क्या हो जाएगा ग्यारह जीरो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ठीक दस ये हमारा खरब हो गया तो क्या हो गया हमारा ये तीन अंक पर फिर दो अंक पर फिर दो अंक पर फिर दो अंक पर फिर दो अंक पर ये हमारा खराब हो गया इसमें कितने जीरो होते हैं ग्यारह जीरो होते हैं खराब के बाद क्या होता है दोस्तों दस खराब आता है ठीक तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह जीरो इसमें कितने जीरो आएंगे बारह जीरो तो तीन अंक पर फिर दो अंक पर फिर दो अंक पर फिर दो अंक पर फिर दो अंक पर ये हो गया हमारा दस खरब इस तरीके से लिखते हैं फिर आता है नील नील में कितने जीरो हो जाएंगे तेरह जीरो हो जाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह कितना जीरो आ गया दोस्तों तेरह जीरो यहाँ देखो तीन अंक पर फिर दो 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 अंक पर ये हो गया हमारा नील नील के बाद क्या आता है दस नील दस नील को लिख लीजिए चौदह जीरो हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह थे चौदह जीरो ये हो गया हमारा चौदह जीरो तीन पर फिर दो अंक पर फिर दो फिर दो फिर दो फिर दो तो यह हमारा हो गया दस नील ठीक उसके बाद क्या आता है पदम ठीक पदम जो आता है इसमें कितने हो जाएंगे पंद्रह ज़ीरो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ये हो गया हमारा पंद्रह ज़ीरो क्या आता है पदम में ठीक इसमें तीन अंक के बाद फिर दो अंक बाद फिर दो फिर दो फिर दो फिर दो फिर दो ठीक है हो गया हमारा पदम उसके बाद क्या आता है दस पदम दस पदम में क्या हो जाएगा सोलह ज़ीरो ठीक कितना सोलह ज़ीरो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह कितने हो गया कि दोस्तों सोलह जीरो यहाँ देख लीजिए सोलह जीरो इसको कैसे कॉमर लगाएंगे तीन अंक बाद फिर दो अंग बाद फिर दो अंग बाद फिर दो फिर दो फिर दो फिर दो क्या हो गया हमारा ये दस पदम ये हो गया उसके बाद देखो आता है संघ उसके बाद दस तो देखो जगह नहीं बचा है इसलिए मैं आपको यहाँ पर के अलग जगह दिखा दे रहा हूँ ठीक है देखो दोस्तों संख फिर आता है इसमें क्या था सोलह जीरो सत्रह जीरो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, पंद्रह सोलह सत्रह जीरो ठीक कितने दोस्तों बहुत लंबा आ गया संख जो होता है इसमें सत्रह जीरो आते हैं ठीक है पहले तीन अंक पर कामा फिर दो अंक फिर दो अंक फिर दो फिर दो फिर दो फिर दो फिर दो हमारा यह संख हो गया इसके बाद क्या आता है दस संखी दस अंक संख में कितने हो जाएगा अठारह जीरो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह दोस्तों पूरा पूरा हमारा अट्ठारह जीरो हो गया हम देखो तीन अंक पर फिर दो अंक पर फिर दो फिर दो फिर दो फिर दो फिर दो फिर दो ये हो गया दस अंक तो इस तरीके से दोस्तों हम इकाई दहाई को लिखते हैं और इसमें कितने जीरो थे यहाँ पर मैंने लिख दिया आइए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर देना चैनल पहले सब्सक्राइब कर लेना चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में